जबरदस्ती मुसलमानों को परेशान करने के लिए आपको मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में पानी की किल्लत है, कई कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में आज पानी की पाइपलाइन कल्याण फाटा पर फूट जाने से पानी बर्बाद हो गया, मगर इस पाइपलाइन के फूटने से पानी की किल्लत और बढ़ गई। मुंब्रा शहर में मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है कि वजू घर से बनाकर आइए, मस्जिद में पानी नहीं है। वहीं पाइपलाइन फूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया है, मगर इस पाइपलाइन की मरम्मत कर इसे दुरुस्त भी कर दिया गया है, जिसके बाद मुंब्रा में पानी पुरवठा विभाग पर पानी को लेकर हाहाकार मच गया। पानी पुरवठा विभाग पर लोगों के लिए पानी भेजने के लिए एक तरफ आमदार जितेंद्र आव्हाड अपने नगर सेवक और कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी माइनॉरिटी महिला सेल की अध्यक्ष रीदा रशीद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी। पानी पुरवठा विभाग के पास पानी पहुंचाने के लिए टैंकर 2 से 3 की संख्या में थे, जिसके बाद एनसीपी के नगर सेवक और रीदा रशीद ने कार्यकारी अभियंता मुंब्रा दिवा के मंगेश गीते को फोन कर टैंकर मंगवाए, मगर टैंकर आते ही बवाल मच गया। लोग टैंकर को पानी लेकर जाने ही नहीं दे रहे हैं। एनसीपी के लोग कह रहे हैं कि नंबर से टैंकर जाएंगे, तो वहीं रीदा रशीद का कहना है कि मैंने प्राइवेट टैंकर मंगवाए हैं। टैंकर ले जाने की बात को लेकर जमकर पानी पुरवठा विभाग पर हंगामा हुआ। एक तरफ एनसीपी के लोग, दूसरी तरफ बीजेपी की रीदा रशीद। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी मौके पर पहुंच गई। लोग टैंकर के आगे खड़े हो गए। जिस तरह से आज पानी को लेकर हंगामा हुआ, लोगों में धक्का मुक्की भी हुई। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पानी को लेकर आज मुंब्रा में हंगामा हुआ। चौकीदार चोर है के नारे भी लगे। जबरदस्ती मुसलमानों को परेशान करने के लिए आपको पानी साहब यहाँ खड़े हैं। हाँ। कि बीजेपी वाले इधर है करके खड़े में पाइपलाइन बस के लिए पाइपलाइन का काम चालू था। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भी यहाँ से मालूम देना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में हर पानी का जो क्षेत्र कहता है, जिसको हम बांध कहते हैं, धरण कहते हैं, डैम कहते हैं, पहली बार 50 सालों में सबसे कम पानी आज डैम में। इसकी वजह क्या है अल्लाह ताला जाने, लेकिन पानी यानी अभी नासिक नगर दिया जलगांव 15-15 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, इतनी हालत हो रही है। तो पानी का नियोजन भी करना पड़ेगा, और वो करने के लिए मैं आज सुबह से यहाँ के बैठा था। 12-14 टैंकर का भी आयोजन कर दिया है। चल के क्या होता है, ए, क्या है? क्या आवाज? एक मिनट पानी नहीं आया, समझ में आया? जितने भी टैंकर आए ना, महानगर पालिका के हेडमास्टर और साथ जाने दो, मैं भी उसको वही बोलना चाहता हूँ।
ये माप पानी के लिए लीक आएगा। नीचे उतर रहे कुछ लोग आके यहाँ पे धांधली करने की कोशिश कर रहे थे कि टैंकर हमने मंगाया था थाना से 10 टैंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइवेट टैंकर मंगाया। तो टैंकर महानगर पालिका ने मंगाई थी, जितेंद्र रावत साहब और नगर सेवक लोग ने यहाँ से सुबह से फ़ोन किए टैंकर यहाँ है। हमारा यही उनको बोलना है जो यहाँ पे नंबर है, जो लोग यहाँ पे नंबर लिखा है उस नंबर के सबसे टैंकर जाएगा। फिर वो किसके एरिया में जाएगा कहीं नहीं, नंबर जिसका है, कौसा का पहला नंबर है, मुमरा का पहला नंबर है, वो सबसे नंबर वाइज टैंकर जाएगा। लोगों को देरी हो रही है लेकिन पूरा टैंकर हम लोग कोशिश करेंगे नंबर वाइज टैंकर पूरा लोगों को पहुंच जाए। अच्छा, कुछ मस्जिद ऐसे हैं जिसमें पानी नहीं है वजू बनाने के लिए, तो क्या आप मस्जिदों में भी मस्जिदों में टैंकर लगभग गया है लेकिन मुमरा कौसा के अंदर नहीं, कई जगह पे आपातकालीन जैसी पानी की व्यवस्था हो चुकी है। चोरी के टेपिंग मेन लाइन पे दबा के मारा जा रहा है, अधिकारी आँख बंद करके बैठे। हम लोग आमदार जितेंद्र रावत साहब के साथ सुबह से यहीं आ रहे थे कि लोग अपनी बदली ले, टीएमसी आग बंद करके बैठी है और चोर मेन लाइन पे टेपिंग मांग रहे। इसीलिए हम सभी नगर सेवक लोग आमदार साहब के साथ यहाँ आए थे और बोले कि जो मेन लाइन पे टेपिंग मार रहे चोर लोग उन पर सख्त कार्रवाई करें। हम पुलिस स्टेशन में भी गए थे अधिकारी को लेके कि जितने जो टेपिंग मारने वाले लोग हैं उनको, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे किसका भी राजनीतिक आदमी हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेन लाइन पे टेपिंग मारने से प्रेशर कम हो गया और पानी में आपातकालीन जैसी स्थिति हो चुकी है। पूरे थाना में और मुमरा कस्बों में पानी की बहुत किल्लत है। अच्छा, जो अभी आप बता रहे हैं कि सुबह से कुछ लोग आकर जो है आपसे झगड़े कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं वो और क्यों झगड़े हो रहे हैं आपसे? मुझे मालूम नहीं, यहाँ पे कुछ लोग बोलने लगे आके, कुछ थे तो यहाँ पे आके बोलने लगे कि हमने थाना से टैंकर प्राइवेट मंगाए। हमने जब प्राइवेट के टैंकर मंगाए, पूछे टैंकर वालों से, तो उनका साफ कहना था कि गीते साहब ने टैंकर भेजा है। जब गीते साहब ने टैंकर भेजा है तो यहाँ जो नंबर है वो नंबर के हिसाब से टैंकर जाया जाएगा और नंबर के हिसाब से टैंकर दे जाए, फिर चाहे वो किसके भी आदमी हो, नंबर यहाँ पे जो है वो नंबर से टैंकर ले लीजिए। पानी जायला पाहिजे, सकाळपासून 18 टैंकर दाखवत आहे, 6 टैंकर दाखवतायत, 18 टैंकर गेल्या तिथून, 6 टैंकर दाखवतात, 18 टैंकर गेल्या, जरा हिशोब मांगा, कोणालाही हिशोब 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 मांगा, जरा हिशोब मांगा त्यांच्या। मुझे बता रहा है क्या भाई, यहाँ आके गए हो? त्यांच्याप्रमाणे जाऊ द्या, आम्हाला काही घेणं देणं नाही। ऐसा इकड़े
दूसरे जगह नहीं करना मैडम, सीएम से वालों ने भेजा है ना मतलब? नहीं नहीं, ये हमारे प्राइवेट नहीं 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 सर, ये क्या बोल रहे हैं? अरे 15 लोग ना पैसे लेके मंगाए, जब से यही बोल रहे हम लोग, हमारे टैंकर में कब्जा करके बेच के आए टैंकर साहब, हमारे टैंकर में जब ऐसी लड़का घुस के गया है, त्याच्यामध्ये कब्जा करतायत जहाँ से भर रहे ना, वहाँ पे डायरेक्ट मस्जिद जाती है, डायरेक्ट भेजो ना, यहाँ पे क्यों लेके आए? वो तो है, लेकिन पब्लिक वहाँ भी है ना, अभी रोजगार है, हम लोग रोजे में हम लोग यहाँ खड़े हैं। अरे तो मैं क्या बोल, डायरेक्ट भेजो तुम्हारे, हाँ आपका रिपोर्टिंग देखो वहाँ पे चालू, आप अपना भेजो, आपका करके आप गलत इसकी मत करो मैडम, गलत इसकी मत करो, हमने चढ़ाया, हमारा नगर सेवक ने चढ़ाया, लेकिन आप गलत इसकी, आप कैसे, आप लैंग्वेज आप समझ लो प्लीज, नहीं आप लैंग्वेज समझ लो, नहीं आपने हमारे लिए किया, इनके बारे हमारे लिए भागा के भाग गया, कौन भागा, कौन खड़ा है, हम लोग खड़े हैं, नगर सेवक ने खड़ा है, इनको कौन चढ़ाया, इनको पूछे आपने कौन चढ़ाया आपने, मैं पूछे हां शानू, ये कोई बात हुई क्या बताओ, चार बार उतार रहे, चार बार उतार रहे, दोनों गाड़ी आ जाए, ये क्या दाना है, आप जब यहाँ पर्सनल टैंकर प्राइवेट टैंकर मंगाई थी तो आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा था, क्या क्यों रोका जा रहा था? हम लोग जब यहाँ आए, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है मुमरा में पानी नहीं है, मस्जिदों में पानी नहीं है, नमाज़ पढ़ने को पानी नहीं है, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में पानी की ज़रूरत है, पानी तो हर टाइम लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन रमज़ान के जैसे महीने में भी पानी नहीं है। जब मैं यहाँ पर आई टाकी पे, तब मैंने देखा यहाँ पर एक नगर सेवक लड़ रहा था, क्या उसको कोई लोग पहचान नहीं रहे थे, लेकिन वो लड़ रहा था, क्या मैं कौन हूँ, जानते हो क्या मैं कौन हूँ, हम लोग तो पानी से बात कर रहे थे ऑफिसर से कि बाबा क्या पानी का क्या हो रहा है, तो वो बता रहा था हमें ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो वो लड़ रहा था, एक आम इंसान उसको बोल रहा है कि बाबा तू कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, तो वो बोल रहा था मैं यहाँ का नगर सेवक हूँ, और मैंने सुना उसकी वाइफ नगर सेवक है, ऐसा करके वो टंकर ले गया, वो जो गरीब बेचारा जो बैठा था सुबह से पानी के लिए, चार दिन से पानी नहीं है उनके बिल्डिंग में, उस इंसान को टंकर नहीं दिया गया, वो नगर सेवक ले गया, उसके बाद हम लोग यहीं बैठे, उसके बाद काफ़ी सारा दो तीन दिन से जो फॉलोअप चल रहा था, टैंकर लाना है, टैंकर यहाँ देना है, तो 10 से 15 टैंकरों को हमने थाना से मंगाया, और जैसा जैसा वो आने लग गया टैंकर, 10 से 15 टैंकर प्राइवेट मंगवाया यहाँ पर, तो जैसा वो टैंकर आने लगे, या फिर जैसा माहौल बन गया कि बाबा बीजेपी और सेना वाले यहाँ खड़े हैं, पानी लोगों को दे रहे हैं, या पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहाँ के आमदार आ गए, आमदार ने आके कुछ हलचल किया, फिर हो गए, फिर आए, हम लोग उसी जगह बैठे थे, क्योंकि हम लोग टैंकर की राह देख रहे थे, जो लोग पानी लेने आए थे, जो सोसाइटी वाले लोग थे, जो मस्जिद वाले लोग थे, वहाँ पानी पहुँचाना था, हम लोग राह देख रहे थे, लेकिन जो आके टंकर रोका गया, टंकर यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब जो लैंग्वेज मॉर्निंग में जो एक नगर सेवक ने किया था, एक नगर सेवक के हस्बैंड ने किया था, वही लैंग्वेज एक आमदार ने यहाँ पर आके किया, कि आप लोग के सामने की बात है, क्या नगर सेवक कौन है, उसका नाम क्या है, क्या नाम था नगर सेवक का जो सुबह जो लड़ रहा था, वार्ड नंबर 32 का, उसकी वाइफ है नगर सेवक, वो है, तो उस तरीके से जो नगर सेवक लैंग्वेज यूज़ कर रहा था एक आम आदमी का, उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ के आमदार ने भी लैंग्वेज यूज़ किया कि यहाँ से टंकर जाने नहीं दूंगा, आप लोग के सामने पत्थर मारो, ये मारो, वो मारो, मकसद क्या है, लोगों को पानी पहुंचाने का, अभी मतलब बात सामने आ रही थी, आपने कुछ प्राइवेट टैंकर मंगाए थे, लेकिन उसे जो है रोका गया, जाने नहीं दिया गया, बिल्कुल
क्यों ऐसा क्यों? चोरी हुई हमारी टैंकर्स, हमारी टैंकर्स चोरी हुई। किसने चोरी की? यहाँ के राष्ट्रवादी के लोगों ने चोरी की, यहाँ के राष्ट्रवादी के नेताओं ने चोरी की हमारी टैंकर। हमारे टैंकर जो आए उसमें उन्होंने अपने लोगों को बिठा के आगे भेजा, और कुछ लोग तो चाबी लेके भाग रहे थे टैंकर वालों का, कुछ लोग पुलिस के हाथ में नहीं आ रहे थे, कुछ लोग टैंकर को रोक रहे थे, कोई लोग मतलब जो हलचल कर रहे थे। मतलब मकसद इनका ये नहीं है, और ये बोलते हैं क्या अगर बीजेपी पानी नहीं देना चाहती है, अरे पानी के टैंकर लाइन में आके खड़े थे, आप लोग के पास फुटेज है, लेकिन आमदार बोल रहा है पत्थर मारो दगड़ मारो टैंकर जाने ही नहीं दूंगा। ये क्या लैंग्वेज है? पानी नहीं है लोगों के पास, मैं भी एक रोजगार हूँ, रोजगार सब खड़े हैं, आपको क्या मालूम रोजा क्या है? सलाम करने से कितने टैंकर आपके चोरी हुए हैं? हमारे 3-4 टैंकर तो ऐसे उड़ा के ले गए, 7 टैंकर यहाँ से चोरी हुए, फिर बाकी के हमने छोड़ दिए, क्योंकि हमारा मकसद यही था लोगों तक पानी पहुँचाए। लिया नहीं टैंकर? नहीं, हम लोग जो लोग आए थे उनको भी हमने दिया, और बाकी के जैसे आए थे कुछ चीज़ हमने ऊपर से भी भेजी। लोगों तक पानी पहुँचाना था, माशाल्लाह हम लोगों ने पानी पहुँचाया, इंशाल्लाह आगे भी पानी पहुँचाएंगे। चौकीदार की सिपाही हूँ यहाँ की, तो बिल्कुल चौकीदारी बराबर करूँगी। लोग चौकीदार चोर है के नारे भी लगा रहे? देखिए नारे लगाने के पहले की हरकत देख लीजिएगा, चौकीदार चोर है नारे लगा रहे थे, उन्होंने चोरी की, उन्होंने रस्ते पे टंकर चोरी की हमारी, वो कौन बताएगा? फिलहाल पुलिस ने हंगामे को शांत करवा दिया है। पानी पुरवठा विभाग के बागले ने बताया है कि अभी 10 से 15 टैंकर की संख्या कर दी गई है, जिसके नंबर आएगा उस नंबर के हिसाब से टैंकर भेजा जाएगा। अभी रिपेयर हो गया, पानी भी चालू हो गया है, अभी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, कल शटडाउन था तो मतलब जो डैम से पानी आता पूरा बंद रहता, और टैंकर से अभी जिधर जिधर टैंकर है वो टैंकर दे रहे हैं। आप लोग कितने टैंकर अभी अभी टोटल टैंकर चालू है हमारे? पानी क्या सीरियल वाइज पहुँचाया जाए, मतलब जो जैसे जैसा कंप्लेंट्स आ रहे हैं हमने लिस्ट बनाया है, ये लिस्ट के हिसाब से जा रहा है, लिस्ट के हिसाब से लिस्ट भी है इनके पास। और किसी की तरह किसी भी तरफ से आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी जो लिस्ट है वो लिस्ट के हिसाब से हमने अभी टैंकर छोड़ना चालू किया है। मगर वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इलीगल तरीके से जो पानी की कनेक्शन है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि रमज़ान के महीने में शटडाउन भी बंद होना चाहिए, साथ ही पानी का प्रेशर भी कम है जिसे बढ़ाने की मांग हो रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।